दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एक एडवर्टीजमेंट यहाँ पर निकला हुआ है, जिसमें अगर हम बात करें कि आपका प्रिंसिपल से लेकर के TGT, PGT और PRT इन सभी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट का जो ये नोटिस है, ऑफिशियल नोटिस है, उसी के संदर्भ में अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे। लास्ट तक अगर आप वीडियो के रहते हैं तो सब कुछ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम टू महेश अकेडमी यूट्यूब चैनल। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए। यहाँ पर देखेंगे तो आप इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात की जाए, यहाँ पर दिया है कि लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म एंड एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट 12/7/2024 दिया हुआ है, यानी कि 12 जुलाई 2024 तक शाम के 5 बजे तक। आप यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है, जाएंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, एप्लीकेशन अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। लास्ट डेट यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है www.bhu.ac.in ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो मेंशन यहाँ पर किया हुआ है। यहाँ पर जा करके आप बाकी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। अगर हम फीस की बात करें, 1000 रुपये है, शैल बी पेड ओनली बाय द कैंडिडेट ऑफ URE WS एंड OBC कैटेगरी फॉर ग्रुप ए पोस्ट, और बाकी के लिए 500 रुपये दिया हुआ है। तो यहाँ पर पे लेबल क्या कुछ है और जो पे मैट्रिक्स होगा वो भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप एक तरीके से सैलरी से इसे जोड़ सकते हैं। प्रिंसिपल की बात करें PGT, TGT और PRT टीचर्स के लिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर अगर बात की जाए कि पोस्ट कितनी है, तो आप जब पोस्ट की जब बात करोगे तो पोस्ट देखने को आपको मिलेंगी। आप देखेंगे जैसे जब हम बात करते हैं यहाँ पर PGT को लेकर के प्रिंसिपल और उनकी पोस्ट के अंड UR कैटेगरी में कितनी कुछ दी हुई है, TGT का जो है अलग अलग पोस्ट का आपका बताया हुआ है। तो प्राइमरी टीचर की जब हम बात करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर 4, 5 और 6 करके यहाँ पर पोस्ट आपको देखने को मिलेगा, और अलग अलग नंबर ऑफ पोस्ट में अनरिजर्व कैटेगरी में केवल 4 पोस्ट दिया हुआ है PRT में, SC में 1 पोस्ट है, वहीं OBC की बात करें तो उसमें भी 1 ही पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। प्रिंसिपल में अनरिजर्व कैटेगरी प्रिंसिपल CSGSK करके है, और अलग अलग स्कूल हैं, चूँकि वो स्कूलों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। पोजिशन ऑफ स्कूल टीचिंग, सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल है और श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय, ठीक है। तो उसी के लिए यहाँ पर प्रिंसिपल अलग अलग दिया हुआ है, तो एक ही है, वो भी अनरिजर्व कैटेगरी का दिया हुआ है। PGT पोस्ट की बात की जाए तो सब्जेक्ट्स में इंग्लिश का इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी है, हिस्ट्री है और दर्शन करके दिया है, इसमें एक पोस्ट है। जब हम UR कैटेगरी की बात करते हैं, उसके अलावा अब मैथमेटिक्स में देखेंगे तो OBC में 1 सीट है, दर्शन में OBC में 1 सीट मिल जाएगा, फिजिक्स में केवल SC कैटेगरी के लिए 1 सीट है। ऐसे ही TGT में जो सीटों की संख्या है हम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, जो आपको अच्छे तरीके से विजिबल होगा, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल महेश अकेडमी पर हमें PDF भेज देंगे, वहाँ से भी आप चीज़ों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर चूँकि ये फॉर्म पहले भी फिल किया गया है, देखिए लिखा हुआ है कि पॉइंट्स टू नोट में कि दोज कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड अगेंस्ट अर्लियर एडवर्टीजमेंट नंबर 20/24/2023/2024 डेटेड 1/2/2024 1 फरवरी 2024 नीड नॉट टू अप्लाई अगेन। मतलब पहले से उन्होंने आवेदन किया हुआ था, अभी फिर से आवेदन कुछ अलग से भी लिया जा रहा है, और इन्होंने लिखा हाउएवर दे मे अपडेट देयर एप्लीकेशन फॉर्म, वो अप्लीकेशन फॉर्म को अपडेट कर सकते हैं। चलिए फीस के बारे में, अब क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। आप क्वालिफिकेशन में देखेंगे प्रिंसिपल की बात की जाए तो प्रिंसिपल में क्या कुछ क्वालिफिकेशन है, तो बहुत कम ही होंगे ऐसे में जो प्रिंसिपल के लिए आवेदन कर रहे होंगे, तो पूरा का पूरा दिया हुआ है कितना कुछ सर्विस होना चाहिए। जैसे देखिए 15 साल दिया है, 15 ईयर्स कम्बाइंड रेगुलर सर्विसेज एज TGT, आप डी पॉइंट पढ़ेंगे जब इसमें तो उसमें मेंशन किया हुआ है। ऐसे अलग अलग आपका जो है जब हम बात करते हैं ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कितना कुछ होना चाहिए वो, और उसके बारे में जानकारी दी हुई है। BEd वाले ही उसमें आवेदन कर सकते हैं। PGT की बात की जाए तो PGT में सारी क्वालिफिकेशंस आपके सामने लिखी हुई हैं। PGT हिंदी जैसे है तो हिंदी या संस्कृत विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स एट ग्रेजुएट लेवल, मतलब ग्रेजुएट लेवल पर अगर आपकी ये सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से हिंदी जो है वो एक आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपका जब हम बात करते हैं तो मास्टर डिग्री दिया हुआ है, और आपका 2 ईयर्स इन इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट MSc PGT की बात की हुई है, ठीक है।
आगे है इसमें बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम एनसीटीई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन। देखिए बीएड डिग्री भी दिया हुआ है। अब टीजीटी का भी आप यहां से पढ़ सकते हैं, जो भी टीजीटी के लिए आवेदन करने वाले हैं वो आप स्क्रीनशॉट भी यहां से ले सकते हैं। स्पष्ट एक एक आपका जो है वो बताया हुआ है, किसकी क्या कुछ क्वालिफिकेशन है वो इनमें इसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है। बात कर लेते हैं, टीजीटी म्यूजिक भी है, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन है, प्राइमरी टीचर की बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, आपने डीएलएड किया हुआ है, आपने बीएलएड किया हुआ है, आपने 2 ईयर डीएलएड किया हुआ है, वो भी स्पेशल एजुकेशन में, आप अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को, ठीक है। सीटेट आपका प्राइमरी लेवल पर पास होना चाहिए और आपकी प्रोफिशिएंसी हिंदी इंग्लिश में दोनों में आप पढ़ा सकें। डिजायरेबल नॉलेज में कंप्यूटर एप्लीकेशंस है, तो ज़रूरी नहीं कि कोई आपके पास सर्टिफिकेट हो, कोई आपके आपने कोर्स किया हो तो ही आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। वो कंप्यूटर नॉलेज वो बस ये जानना चाहते हैं, जिस तरीके से केंद्रीय विद्यालय संगठन में था, तो आप आवेदन यहाँ पर आकर के कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 30 ईयर्स दिया हुआ है, ये भी याद रखिएगा। 30 साल, अगर आप 31 के हो गए हैं तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं, ये मैक्सिमम एज है, ठीक है। तो पीआरटी टीचर में सर मैंने आपको बता दिया नंबर ऑफ पोस्ट, बड़ी तगड़ी पोस्ट है। 6 साल बाद अगर हम बात करें तो यूपी में कुछ थोड़ी सी भर्ती देखने को मिली है और 6 साल बाद 6 ठो पोस्ट दे दिया है, वो भी आप देख पा रहे होंगे।